नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को बताया फायरमैन फिजिकल और प्रैक्टिकल के गाइडलाइन में आप लोगों का लेडर एक्सेशन का जो प्रैक्टिकल है वो आपका 15 नंबर का दिया गया है। तो हमारे पास में पहले से भी लेडर मौजूद थी, लेकिन जो वर्तमान में IAS मानक के अकॉर्डिंग फुल टेक्निकल स्पेशलाइजेशन के साथ में हमने एक नई लेडर और बताई, नई लेडर है वो और मंगवाई है जिसके टेक्निकल स्पेशलाइजेशन है वो DC चौधरी जी आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद। तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसा कि सर ने बताया कि अपने जो एकेडमी है उसमें एक नई लेटर है, उसको भी अपन ने परचेज किया है हाल ही में। साथियों, वैसे अपने पास लेटर अवेलेबल है, लेकिन साथियों जो अपने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जो होने चाहिए साथियों, जो मापदंड होने चाहिए लेटर के, उसके अकॉर्डिंग अपनी जो लेटर है वो आ चुकी है। साथियों, अपन मापदंड की बात करें तो साथियों इसमें अपन 2-3 अपन टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं कि प्रॉपर जो स्ट्रिंग है साथियों अच्छी मजबूत हो, देन आफ्टर जो अपने दो स्ट्रिंग के मध्य जो ढांचा है साथियों, उसकी दूरी है साथियों 18 इंच के लगभग, वो अच्छी तरह से हो। दो राउंड्स के मध्य दूरी है वो अच्छी प्रकार से हो। इस तरह जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है साथियों, बहुत ही अच्छी मानक की जो अपनी जो लेटर है जो होनी चाहिए साथियों, बहुत ही अच्छे से तैयार करवा के मंगाई गई है। अभी आपको फुल आप लोग जरूर दिखाइएगा कैमरामैन। तो जो भी देखो यहाँ पे पेंडुलम पावल आपको जो राउंड है वो बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। स्ट्रिंग है साथियों, बहुत ही मजबूत स्ट्रिंग है, ताकि जो आप लोगों को झोल देखने को मिलता है वो कम से कम देखने को मिले। और आगे देखो बहुत ही मजबूत गिरनी, और आगे आपको दिखाई दे रहे होंगे लेडर को फिसलने से बचाने के लिए जो हेड है वो भी रबर के हेड लगे हुए हैं। नीचे जो भी हील लगे हुए हैं वो भी रबर के, काफ़ी मजबूत है ताकि जो सीढ़ी है किसी तरह से फिसले नहीं। तो साथियों एक बार ज़रूर आप लोग देखिएगा लेडर को, बिल्कुल। तो इसी तरह साथियों, जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती है उसी के अकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, उस पर भी अपना एकेडमी काम करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, इसी तरह की अपन आपके लिए जो एकेडमिक जो अपने फायरमैन से संबंधित है वो वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।